और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ताज़ा रिपोर्ट्स पर एतराज़ात उठा दिए हैं। सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई गईं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि एक खत के जरिए किसी भी मरीज की सेहत को जांचना मुमकिन नहीं। खत के मंदरजात के सबूत साथ लफी नहीं किए गए। ज़रा के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब पहले ही ताज़ा रिपोर्ट्स पर भी तहफ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ की मेडिकल और टेस्ट रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म दिया। एहसन इकबाल ने कहा है कि हुक्मरान एक बीमार वालिद को बेटी से दूर रखकर अजियत देना चाहते हैं। हर बेटी का कानूनी और फितरी हक है कि वालिद की तीमारदारी कर सके। मरियम नवाज को पहले भी तब गिरफ्तार किया गया जब वो अपने वालिद से मिलने गई। हुकूमती किरदार की पस्ती की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत पर अदालती फैसला कबूल करेंगे। हुकूमत की कमजरफी मरियम नवाज को बाहर जाने से रोक रही है।